Hello everyone. Now from this video we are going to start with the preparation of amines. In the introductory video of the flowchart of amines, I have already told ki there are total six methods given in NCERT by which amines can be prepared. So from that list only the very first method I am going to take over here, and that is preparation of amines. How? By ammonolysis. Ammonolysis of alkyl halides. So what are alkyl halides? Haloalkanes. Okay, so if we are saying that we are going to do the ammonolysis, then once in the board exam the definition of ammonolysis was also asked. So first of all, this method is also only called as ammonolysis. Isse sirf ammonolysis reaction bhi kehte hain. So what is ammonolysis, we will discuss for the first, and then we will talk about the reaction in detail. So note down, the process of cleavage means breakdown, cleavage of CX bond by ammonia, that is NH3 group, right, is known as ammonolysis. So I can tell you the meaning once more. In the previous videos also I told, wherever you see the word lysis ka matlab hi hota hai breakdown, टूट जाना. एंड इट इज अमोनोलिसिस, मतलब अमोनिया की प्रेजेंस में टूट जाना. तो अमोनिया की प्रेजेंस में क्या टूट जाएगा? सी और एक्स के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा. यही डेफिनेशन तो लिखी है हमने. व्हाट इज अमोनोलिसिस? द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ सी एक्स बॉन्ड. सी और एक्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा. कैसे? इट विल बी अंडर गोइंग लिसिस, दैट इज ब्रेक डाउन. हाउ? बाय अमोनिया. ओके, तो आई होप अमोनोलिसिस की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई. नाउ यू सी, यहां रिएक्शन में होता क्या है, दैट यू टेक अमोनिया मॉलिक्यूल एंड लेट इट रिएक्ट टू द हैलोएल्केन मॉलिक्यूल. वी नो दैट हैलोजन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, सो इट विल बी लीविंग सून. एंड इन दिस रिएक्शन वी नो अमोनिया इज बियरिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन. So due to having this lone pair of electron on nitrogen, ammonia behaves as a nucleophile. So let us see what is going to happen. Is alkyl group ka carbon aur halogen ke beech mein there is a electronegativity difference. Halogens zyada electronegative hote hai carbon se. To kya karega ye halogen? Apni taraf ye shared pair of electron ko shift karega, being more electronegative. और ऐसा करने के कारण इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर प्लस चार्ज आएगा. जैसे ही यहां कार्बन पर प्लस चार्ज डेवलप होगा, ये लोन पेयर अमोनिया के इसको मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए आगे आएंगे. और ये कह सकते हैं इस पॉजिटिव को कम करने के लिए लोन पेयर अमोनिया डोनेट करेगा, जिसके कारण यहां पर एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा. या आप ये कह लें कि इन लोन पेयर की मदद से अमोनिया जो है वो इस आर के साथ बॉन्ड बना लेगा. ओके, तो ये कैसा दिखाई देगा? ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, NH3. अब अमोनिया ने अपना लोन पेयर इसको दे दिया है, ये बना दिया इस लोन पेयर ने बॉन्ड. ठीक, तो जब ये अमोनिया के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन से चले गए तो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा और साथ में हैलोजन है बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड. तो ये एक इंटरमीडिएट स्पीशीज बनी है जिसे हम सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बोल सकते हैं या बोलते हैं, राइट. Now see what is going to happen. इस मॉलिक्यूल में से क्या होगा, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन रिमूव हो जाएगा और यू विल बी लेफ्ट विद RNH2. सो वॉट इज RNH2? RNH2 इज प्राइमरी अमाइन और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1° अमाइन. यहां पर ये सीरीज ऑफ रिएक्शन है. एक्चुअली क्या होता है, ये रिएक्शन 373 केल्विन पर एक सील्ड ट्यूब में होती है. तो वहां पर अमोनिया ढेर सारा होता है और अल्काइल हैलाइड के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो आगे भी ये रिएक्शन हो सकती है,
राइट हम इस रिएक्शन को यहां से सिर्फ इतना बनाने करके भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगी कैसे होगा कि सिर्फ आप 1 डिग्री अमाइन बनाएं, बट यूजुअली अमोनोलिसिस में क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री और समटाइम्स क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट इनका मिक्सचर बनता है। तो ये रिएक्शन कुछ बहुत अच्छी सी नहीं मानी जाती क्योंकि इनसे आपको कोई एक ही तरीके का प्योर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक्चुअली होता यह है कि ये जो RnH2 है ये बनने के बाद यहाँ पर कंडीशंस हैं कि एक और हेलो एल्केन मॉलिक्यूल मिल गया अगर इसको, तो ये सेम तरीके से जैसे आपने ये मैकेनिज्म अभी देखा वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएंगे, ठीक है, और यहां से एक H और एक X निकल जाएगा, तो फिर आप क्या बना लेंगे R2NH। यानी क्या हुआ एक और H, यहाँ H NH2 से और X कौन सा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस चार्ज है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा कि ये यहाँ से हाइड्रोजन विड्रॉ करके एक HX मॉलिक्यूल निकाल देंगे और आपको 2 डिग्री अमाइन मिल जाएगा, ठीक है। और साइमल्टेनियसली ऐसा भी हो सकता है कि उस 2 डिग्री को फिर से एक RX मिल जाए और फिर से क्या हो जाए कि ये H और ये X निकल जाए, ये वाला H और ये वाला X, फिर से एक HX मॉलिक्यूल निकल गया है, हर स्टेप पे एक RX ऐड हो रहा है और एक HX निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा R3N, दैट इज योर 3 डिग्री अमाइन, ठीक। यहाँ अभी भी ये रिएक्शन रुकती नहीं है, अगर इसको एक और मॉलिक्यूल RX का मिल गया तो अब यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं कि आप HX निकाल दोगे, तो यहाँ एडिशन प्रोडक्ट बना लेते हैं ये, और एडिशन प्रोडक्ट में क्या होगा ये सब जुड़ जाएंगे, R3 से R4 हो जाएगा और N plus X minus. So this species is called as quaternary ammonium salt. This is called as quaternary ammonium salt. Right? अब देखें कि इस रिएक्शन में हुआ क्या है, तो इस रिएक्शन में ध्यान से देखने में समझ में आ रहा है कि 1 डिग्री अमाइन भी बन रहे हैं, 2 डिग्री भी बन रहा है, 3 डिग्री भी बन रहा है और क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट्स भी बन रहे हैं। सो दिस रिएक्शन दैट इज अमोनोलिसिस ऑफ व्हाट हेलो एल्केन इज यील्डिंग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और यही इसका डिसएडवांटेज है। दिस रिएक्शन हैज दिस डिसएडवांटेज दैट इट यील्ड्स द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, की कोई प्योर प्रोडक्ट एक सिंपल सिंगल अमाइन 1 डिग्री नहीं बनाता, बट स्टिल आप क्या कर सकते इस रिएक्शन को यहीं पर जो है रोकने के लिए क्या कर सकते हैं कि इस ये जो आपका सॉल्ट बना है इस सॉल्ट को सिर्फ आप क्या करें बेस से रिएक्ट करा दें, तो बेस से रिएक्ट करने पे क्या होगा ये आपको 1 डिग्री अमाइन दे देगा, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इस सॉल्ट को, मैं आपको रिएक्शन लिख के बताती हूँ, इफ यू टेक दिस सॉल्ट R NH2 प्लस एक्स माइनस, इस सॉल्ट को अगर आप एल्कली से रिएक्ट करा दें तो क्या होगा कि इसमें आपको प्योरली 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा, ठीक है। और क्या होगा यहां पर एक मॉलिक्यूल वाटर और यहां पर NH3 है, ध्यान दें दिस इज NH3, तभी वाटर मॉलिक्यूल निकाल पाएंगे आप, और फिर साथ में एक Na प्लस एक्स माइनस। तो ये देखें ये तो निकल गया आपका Na प्लस एक्स माइनस, एक हाइड्रोजन और एक OH मिलके आपका वाटर बन जाएगा, बचा क्या RNH2, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, ये तो दिख ही रहा है NaX कैसे निकला, फिर यहाँ क्या बचा था OH बचा था, दिस OH इज हैविंग माइनस चार्ज, तो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के वाटर बना लेगा और आपके पास क्या बचा RNH2, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक ओनली 1 डिग्री अमाइन फ्रॉम दिस रिएक्शन लाइक दिस। बट इसका मेजर डिसएडवांटेज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अमोनोलिसिस का डिसएडवांटेज है कि ये मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस बनाते हैं और क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट भी कुछ क्वांटिटी में बन जाता है, बट आप चाहें तो 1 डिग्री अमाइन को एज अ मेजर प्रोडक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, राइट। सो दिस वॉज द अमोनोलिसिस रिएक्शन एंड दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर द अमाइंस।